हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल दूसरी। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मीठी देखिए, मीठी यहाँ पे काम कर रही है। मैं यहाँ बैठ कर के काम करवा रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना कि ये पूरा घर फैला हुआ है। ये घर छोड़ करके उधर सारा साफ़ हुआ था और ये नहीं साफ़ हुआ था क्योंकि ये लोग खेल रहे थे। नीचे भी बाबू लोग आए हैं तो वो लोग भी खेल रहा था, इसको छोड़ दी। तो मैं बोल रही थी कि मीठी इसको साफ़ करो। तो देखो वो पूरा बास्केट अभी मैं दिखाती हूँ। तो वो जो बास्केट देख रहे हैं पूरा खाली था। ओके, तो ये देखिए मीठी पूरा ढूंढ ढूंढ करके, ये टूट गया वही दिखा रही है, पूरा ढूंढ ढूंढ कर पूरा उसमें भर रही है। एक्चुअली क्या होता है ना कि घर में जो कचरा होता है वो पूरा, अगर खिलौना पूरा फैल जाए तो वही कचरा लगने लगता है, और अगर कपड़ा फैल जाए, अच्छा कपड़ा, साफ़ कपड़ा, नया कपड़ा भी अगर फैला हुआ रहे तो कचरा लगता है। तो बस वही है, मीठी पूरा खिलौना फैलाई हुई थी, अभी पूरा जमा की है। अभी भी बहुत कुछ इधर उधर है बट ये पूरा जमा कर दी। और जब ये सारा जमा हो जाता है ना तो झाड़ू लगाना आसान हो जाता है। झाड़ू लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब पूरा घर में फैला रहता है ना तो बाहर झुको, उठाओ, फिर उसको डालो, तो ये ज़्यादा मेहनत का काम हो जाता है। सीधा झाड़ू लगाना है तो आप आराम से लगा सकते हो, पूरा घर साफ़ कर लोगे तुरंत में, पर चीज़ों को जो है जगह पे रखना है तो ज़्यादा टाइम लगता है। बस इसका सारा खिलौना है ना, बार बार झुकना और उठाना मेरे लिए मेहनत का काम होता है। तो अभी मैं झाड़ू लगा दूंगी यहाँ पे, और फिलहाल मिट्टी खेल रही है, ये खेलने के मूड में है। दोपहर का टाइम है एक्चुअली, तो अभी मैं सोच रही थी कि ये सो जाती तो सही रहता। शाम में उठती है तो चिड़चिड़ा नहीं होती है, और नहीं तो अगर शाम में सोती है और फिर शाम में उठती है, अगर लेट से सोती है तो फिर चिड़चिड़ी हो जाती है, रोती रहती है हर बात बात पर। तो मैं सोच रही हूँ सो जाए, बट इसको सुलाने के चक्कर में इसके पापा सो गए हैं, बट ये नहीं सोई है और बस खेलने में लगी हुई है। देखिए मैं सब कर लिया। वाओ मिट्टी, गुड गर्ल। हेलो गाइस, मैं सारा गाइस के सब कर लिया। और बेटी क्या की है? काजल की है। हाँ। सबको दिखा दो, काजल दिखा दो। मिठी काजल की है। हेलो गाइस, मैं काजल, कैसे लग रहा है मम्मा? मेरा काजल कैसे लग रहा है? काजल बहुत सुंदर लग रहा है बेटा का। थैंक यू मम्मी। वेलकम बेटा। और भी काजल सुंदर लग रहा है। मेरा भी काजल सुंदर लग रहा है। हाँ। थैंक यू। मैं कल मम्मा। हाँ बेटा। थोड़े थोड़े देर पे भूख लगता है, पर हमेशा क्या खाए कुछ समझ में नहीं आते रहता है। मतलब फ्रूट्स वगैरह तो खाने का बिल्कुल मन ही नहीं करता है। तो अभी जा रही हूँ फ्रूट खाने, और नहीं तो छाछ पीऊँगी क्योंकि छाछ अच्छा लगता है, तो छाछ पीऊँगी उससे चल जाएगा, और नहीं तो फ्रूट खाऊँगी। देखते हैं क्या करना है। ये देखिए ये खा रही। पार्क जा रही है।
आज मीठी का मूड थोड़ा ख़राब है, सोकर उठी है तो उठने का इसका मन नहीं था, लेकिन पापा बोलती है पार्क जाने के लिए, तो पार्क जाना इसको अच्छा लगता है, इस वजह से उठ तो गई है, पर अंदर से इसका उठने का मन नहीं है, जैसे नींद पूरा नहीं हुआ है। और इस तरह से वो पार्क गई है, पर थोड़े ही देर में पार्क से आ जाएगी। लगता है वहाँ भी रो रही थी, क्योंकि बोल रहे थे कि नहीं रह रही है, रो रही है, और नींद पूरा नहीं हुआ, इसी वजह से ऐसा होता है। शाम में सोती है तो इसका ऐसा ही हो जाता है। तो वहाँ गई और फिर थोड़े देर में आ गई है, और थोड़ा देर मतलब 15 मिनट लेटने के बाद फिर ये उठी है। तो मैं जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा ले रही हूँ, जहाँ लगाई थी वहाँ ऐसे ही ऊपर ऊपर से लगा ली, बस इस रूम में नहीं लगाई थी तो इस रूम में ठीक से लगा रही हूँ, बाकी सारे रूम में लगाई थी तो बीच बीच में ही लगा ली, मतलब अंदर अंदर घुस घुस के, मेरे से तो होता नहीं है, तो बीच बीच में ही ऐसे ही लगा ले रही हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खिचखिच होता है, तो बस सामने सामने गेट के सामने जहाँ तक चलो वहाँ तक खिचखिच होता है, तो मैं वहाँ तक लगा ली और इस रूम में अच्छे से लगा ली, बस तुरंत मीठी आ गई थी। और ये देखिए मीठी सो भी रही है, सो गई थी दोपहर में, मतलब दोपहर क्या 4 बजे सो गई थी, सोचा कि थोड़ा देर में उठ जाऊंगी, और मीठी भी सो गई, सब लोग सो गए, और अभी उठी हूँ, मतलब कि 6 बजे के बाद, 6:30 में। तो ये पार्क लेके जा रहे हैं, बट इसका पता नहीं मन भी है और नहीं भी है, क्योंकि है तभी उठी है, लेकिन नींद नहीं पूरा हुआ, इस वजह से रो रही थी। गए हैं पार्क लेकर के, लेकिन वहाँ भी शायद रोने लगी है, तो लेकर आना पड़ा है। और ये देखिए फिर सोई हुई है, तो पूरा रूम में झाड़ू लगा करके, जैसे मतलब यहाँ पे एंड कर ही रही थी तब मीठी आई है। और ये गए हैं बाहर कुछ ज़रूरी का चीज़ लाने, मैं भी बनाऊंगी चाय और थोड़ा सांस दिखा लेती हूँ, संध्या का टाइम हो चुका है, तो मिलती हूँ थोड़ी देर से। पूजा का जगह है वो हॉल में ही रखी हूँ, और हॉल में मीठी खेलती रहती है, तो यहाँ पे भी चीज़ें फैल जाता है, जैसे बलून हो गया, बॉल हो गया, कुछ कुछ इधर उधर फैल जाता है। तो ये देखिए मैं जहाँ बैठी हूँ वहाँ भी इतना बड़ा सा एक बॉल है, और उधर एक मिट्टी का पैंट है, तो मतलब इधर उधर हो ही जाता है। आप लोग सोचोगे कि पूजा के जगह पे भी कुछ कुछ है, तो दिन भर में आप मतलब बच्चा अगर है ना तो इधर उधर हो ही जाता है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए, और मेरा आदत है ना जो धोया हुआ बर्तन है, जैसे चाय का कप और जिसमें चाय बनता है वो धोया हुआ है, उसको भी खंगालने का आदत है, तो बस मैं वही खंगाल खंगाल के ही बनाती हूँ, जैसे चाय का कप हो गया और जिसमें बनाते हैं वो, तो बस वही चढ़ा दे रही हूँ चाय। और मैं ज़्यादातर नाप करके चाय बनाती हूँ, जैसे 2 कप चाय बनाना है तो 2 कप ही दूध डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डालती हूँ, जितना कि वो जल जाए पानी। तो देखा होगा आपने, अभी मैं नाप करके ही डाली हूँ, जब मैं नाप करके नहीं डालती हूँ तो ज़्यादा बन जाता है। और मीठी का मन खुश हो गया है, एक आइसक्रीम खा ली है मीठी, क्या खाई है मीठी? हाँ, और आइसक्रीम खा के थोड़ा सा चॉकलेट भी खा रही है। चाय बनाने गई हूँ, बट जब चाय बना रही थी और ये रोने लगी, तो फिर आ गई हूँ और तब डिमांड की कि आइसक्रीम खाना है, चॉकलेट खाना है ना बेटा? तो बच्चे का टेंट्रम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, और कभी कभी मन करता है कि बहुत सारा काम कर ले, और कभी कभी मन करता है कि कुछ भी ना करे, तो बस वही होता है। चाय चढ़ा हुआ है, बस अभी छानने जा रही हूँ चाय। पूरा फैला कर रखे हुए हैं, सब ये आरो लगा रहे हैं। मेरे घर में एक मिस्त्री भी है जो कि आरो लगाते हैं, इन्वर्टर लगाते हैं, पंखा कूलर सब कुछ ठीक करते हैं, लगाते हैं, तो ये मिस्त्री साहब हैं। चाय छान लेती हूँ, अच्छा हुआ कि चाय चढ़ा दी, जैसे चाय चढ़ाया रोने लगी मीठी। हाँ, फिर बहुत जोर से हम सोच रहे हैं कि कहीं फीवर वर तो नहीं लग गया है इसको, या तो लग गया इसको, वही लग गया सटा कर। चाय चले पी ले जा, चलो रात में खाने को क्या बनाए। बेटा मीठी दूध ही पिएगी, बदमाशी मूड में आएगी।
फिर भी चाय पी ले। मुझे पानी पीना है। तो वहीं पे आपको पानी डाले थे बेटा। ये देखिए चाय हो गया है, चाय ले आई हूँ। और मिस्त्री साहब अभी अपना काम में ही लगे हुए हैं, उनका चाय भी यहाँ पे रखा हुआ है, वो भी लेकर के आए, वो भी आ रहे हैं। आइए ना जी, पी लीजिए ना पहले। अब सोच रही हूँ रात में खाना क्या बनेगा। सुबह उठो तो सुबह सोचो कि क्या खाना बनेगा, रात में उठो शाम में सोचो कि क्या खाना बनेगा। अभी बनेगा रात का खाना डिनर, और क्या बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रोटी बनाना है ये फिक्स है, बट सब्जी में क्या बनाए क्या नहीं बनाए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और पैरों में स्वेलिंग की वजह से ना, जब मैं बेड पर से उठती हूँ या फिर चेयर पर से उठती हूँ, चलती हूँ ना, मुझे खुद का ही मतलब भारी भारी सा लग रहा है। ज़्यादा मैं पैर लटका कर बैठती भी नहीं हूँ, अगर थोड़ा देर भी बैठ गई, लाइक आधा घंटा अगर बैठ गई ना, तो ऐसा लगेगा कि एकदम फूला फूला टाइप से पैर लगता है। जबकि मेरा हाथ पैर ज़्यादा मोटा मोटा वाला नहीं है, मतलब एक होता है ना अच्छा वाला मोटा मोटा वाला, वो है नहीं, पतला वाला ही है। लेकिन उसी में आपको देखने को मिलेगी कि जैसे स्वेलिंग हो रखी है, आप देख सकते हो मेरा हाथ हल्का हल्का सब दिख रहा होगा। मुझे अपने में ये ज़्यादा लगता है, वैसे आप लोगों को कम दिख रहा होगा, बट मुझे अपने में ये ज़्यादा लगता है। ऐसा लगता है जैसे टाइट टाइट है, ऐसे कर रही हूँ ना, तो ये टाइट टाइट लग रहा है। टाइट है मतलब समझ लो स्वेलिंग है। और पैरों में भी वही है, पैर भी जैसे नॉर्मली मेरा पैर पतला वाला है। हाँ बेटा, ओके, तो नॉर्मली मेरा पैर पतला वाला है, लेकिन अभी जैसे कि थोड़ा टाइट टाइट फुल फुल सा आ गया है, जैसे स्वेलिंग पूरा आ गया है। पर ये क्यों हो रहा है, ज़्यादा मैं तो पहले तक बैठती भी नहीं हूँ और तो पता नहीं क्यों हो रहा है। बहुत अच्छा बेटा, बहुत सुंदर। उसकी वजह से है ना कि चलने में जैसे मतलब बेड पर से उतरती हूँ और जाने लगती हूँ, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरा पैर खुद का पैर भारी लग रहा है, खुद का बॉडी भारी लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि खुद ही मतलब चलने में मतलब क्या मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही हूँ, मतलब खुद लग रहा है कि एकदम भारी भारी सा लग रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है। और फिर टहल लेती हूँ थोड़ा सा तो ठीक रहता है, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि पार्क जाऊँ। और ये मैं कब से हर ब्लॉग में बोलती हूँ कि सोचती हूँ कि पार्क जाऊँ, बट नहीं जा पाती। पता नहीं पार्क जाने से क्या हो जाएगा, एक बार मैं जाऊँगी फिर बैठूँगी तो फिर कहीं वैसा ही हो जाएगा, क्योंकि पूरे दिन तो मैं बैठी नहीं रहती हूँ। काम सारा तो करना ही होता है, और काम करने में ही इतना चलना होता है ना, इधर से उधर, उस रूम से किचन, किचन से इस रूम, ऐसे पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बाहर गए हैं, कुछ खाने का मन कर रहा था, क्रेविंग्स हो रही थी, तो उनको बोली हूँ कुछ लाने के लिए, हो सकता है तो मोमोज लाएंगे। मोमोज मेरा फेवरेट है, मतलब कि बहुत अच्छा लगता है मुझे, तो पहले वो खा लूँगी, उसके बाद कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। देखिए ये आ ही रहे होंगे, मेरी आँख खेल रही है।